तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर पिछले साल आईफोन 14 लॉन्च हुआ था, उसके पहले यहाँ पर आईफोन 13 लॉन्च हुआ था। तो दोनों ही स्मार्टफोन का जब पिछले साल कंपैरिजन किया गया था, दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिले थे। और यहाँ पर इस साल आईफोन 15 भी लॉन्च हो चुका है, तो आईफोन 15 की सीरीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल गई है। तो आईफोन 14 का हम आईफोन 15 से कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोनों स्मार्टफोन में क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे, क्या क्या सिमिलर है, क्या क्या अलग है, वही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत, आप देख रहे हो डिजिटल HD HR। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो को बहुत जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हो डिजिटल HD HR। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की और करते हैं दोनों का कंपेरिजन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में जो जो चीज़ें सेम दे रखी है, सिमिलर दे रखी है, वो चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर इसकी बॉडी देख लेते हैं, तो दोनों ही स्मार्टफोन एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आते हैं। जो इनकी फ्रेम दे रखी है वो यहाँ पर एल्यूमिनियम की बनी हुई आती है, और इसका जो बैक पैनल होता है वो ग्लास बैक होता है। तो ये सारी चीज़ें दोनों इन दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की अगर डिस्प्ले की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले जो है 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। तो आईफोन में ये दोनों डिस्प्ले पूरी सेम टू सेम दे रखी है, ठीक है, डिस्प्ले की अगर बात करें तो। तो यहाँ पर ये जो सुपर रेटिना XDR वाली जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर काफ़ी बेस्ट दे रखी है, और बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले आपको आईफोन में देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फेस आईडी देखने को मिल जाती है और फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि दोनों स्मार्टफोन में सेम सेम चीज़ें क्या दे रखी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आईफोन 14 और आईफोन 15 में अलग क्या है। तो यहाँ पर इसका जो सबसे पहले डिस्प्ले में देख लेते हैं, तो डिस्प्ले में सबसे ऊपर आपको एक नोच देखने को मिलती है। तो आईफोन 14 में आपको सिंपल से यहाँ पर एक नोच देखने को मिल जाती है, उसी नोच के ऊपर कैमरा वगैरह देखने को मिलता है, कैमरा और सेंसर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर आईफोन 15 की बात करें तो जो उसकी जो नोच होती है, नोच में आपको यहाँ पर डायनामिक आइसलैंड आपको देखने को मिल जाता है। वहीं से आपका जो म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो, नोटिफिकेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डायनामिक आइसलैंड से देख पाओगे। तो ये यहाँ पर डिस्प्ले में थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिल गया है। अब दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की बात कर लेते हैं, दोनों स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको आईफोन 14 में A15 बायोनिक चिप आपको देखने को मिल जाती है, वहीं पर आईफोन 15 में आपको A16 बायोनिक चिप आपको देखने को मिलती है। अब दोनों ही स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर है वो काफ़ी बेस्ट दे रखे हैं, ये जो प्रोसेसर है वो काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के iOS वर्जन की, तो आपको यहाँ पर आईफोन 14 में V16 वर्जन देखने को आपको मिलता है, वहीं पर आपको आईफोन 15 में V17 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। ये दोनों के iOS देखने को मिलते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेक्शन में चलते हैं, तो दोनों का जो कैमरा है दिखने में तो सिमिलर लगता है, तीनों कैमरे सिमिलर देखने को मिलते हैं, और डिज़ाइन भी काफ़ी यहाँ पर सिमिलर देखने को मिल जाता है। लेकिन जब कैमरा मेगापिक्सल की बात करें, तो आईफोन 14 में आपको फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, आईफोन 15 में भी आपको जो सेल्फी कैमरा होता है वो 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निकल रेशो जो होता है ना, जैसे उसका जो सॉफ्टवेयर दे रखा है वो थोड़े से अलग दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो सेल्फी मेगापिक्सल है वो यहाँ पर दोनों में सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं बैक पैनल की, तो बैक पैनल भी आपको दोनों स्मार्टफोन में डबल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, एक होता है वाइड एंगल, एक होता है अल्ट्रा वाइड एंगल। तो आईफोन 14 में आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल बैक कैमरा सिस्टम देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर आईफोन 15 की बात करें, तो यहाँ पर जो मेन कैमरा होता है वो आपको यहाँ पर 48 मेगापिक्सल को देखने को मिल जाता है। तो आईफोन 14 में आपको 12 मेगापिक्सल को देखने को मिलता है, आईफोन 15 में 48 मेगापिक्सल का, यानी कि 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होता है वो यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल को आपको देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही कैमरा सेटअप काफ़ी बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेगापिक्सल में चेंजेस किया गया है। तो आईफोन 15 में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो डिस्प्ले में आपको नीट्स देखने को मिलती थी, तो आईफोन 14 में आपको 1200 नीट्स की डिस्प्ले देखने को मिलती थी, यानी कि आप जब धूप में यूज़ करोगे तो 1200 नीट्स की जो डिस्प्ले होती है, लाइट होती है, वो आपको देखने को मिलती है। लेकिन अब उसको बढ़ा दिया है, जैसे कि आईफोन 15 में आपको 2000 नीट्स की डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो उससे क्या होता है कि ये जब आप स्मार्टफोन को धूप में यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपकी जो ब्राइटनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको अच्छे से दिखाई देता है। तो दोनों की जो नीट्स है वो चेंज कर दी गई है, यहाँ पर आपको 1200 नीट्स मिलती है डिस्प्ले, और यहाँ पर आपको 2000 नीट्स की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है आईफोन 15 में।
अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में आपको एक दिन की बैटरी देखने को मिलती है, एक दिन चलने वाली। तो यहाँ पर आपका वीडियो प्लेबैक जो होता है आईफोन 14 में 20 घंटे आपको देखने को मिल जाता है, वहीं पर आईफोन 15 में आप 26 घंटे तक वीडियो प्लेबैक कर सकते हो, इतना यूज़ कर सकते हो। इस टाइप से यहाँ पर उसका बैटरी सिस्टम कुछ दे रखा है। अगर MAH की बात करें तो आईफोन 14 में यहाँ पर आपको 3200 से 3300 MAH की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। हम बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के चार्जर की, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि आईफोन में लाइटिंग केबल आपको देखने को मिल जाती थी, दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको एडाप्टर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस बार यहाँ पर कुछ चेंजेस किया गया है। तो आईफोन 14 में जैसा कि लाइटिंग केबल आपको देखने को मिल जाती थी जो कि सिर्फ आईफोन में ही लगती थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आईफोन 15 की बात करें तो यहाँ पर अब इन्होंने कुछ चेंजेस किया है। तो यहाँ पर आपको टाइप सी देखने को मिल जाता है। तो जहाँ स्मार्टफोन है उसमें आपको यहाँ पर टाइप सी देखने को मिला है, और टाइप सी वाली जो केबल है टाइप सी टू टाइप सी आपको देखने को मिल रही है, और एडाप्टर फिर भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दोनों स्मार्टफोन 20 वोल्ट का जो एडाप्टर होता है वो सपोर्ट कर लेता है, टाइप सी देखने को मिलता है। आईफोन 14 में आपको लाइटिंग केबल देखने को मिल जाती है। अब दोनों स्मार्टफोन की अगर प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 79,999 आपको देखने को मिल जाता है, 79,999 रुपये आपको आईफोन 15 में देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर आईफोन 14 की बात करें तो ये 65,000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों में कुछ 15,000 रुपये का डिफरेंस अभी देखने को मिला है, क्योंकि नया नया लॉन्च हुआ है आईफोन 15, अगले साल तक तो इसकी प्राइस और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो दोनों स्मार्टफोन में क्या क्या अलग था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो प्लीज़ लाइक करना, और वीडियो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि हम आपके लिए जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपके वो सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।